पहली बात समझाती है कि सर पहले आप इस्तेमाल करो, उसके बाद हम चलेंगे लोगों के पास बताएंगे। क्योंकि कोई भी पूछेगा कि सर आपने इस्तेमाल किया तो आप बोलोगे हाँ मैंने किया, झूठ नहीं बोलना, ठीक पहले आप इस्तेमाल करो। लेकिन कुछ आदमी, कुछ लोग बिजनेस में ऐसे आते हैं जो किस कैटेगरी के होते हैं पता है कौन से होते हैं, वो सबसे समझदार कौन मैं, ऐसे वाले, ठीक है, सबसे समझदार कौन मैं। आप उसको बताएंगे समझाया पहले आप इस्तेमाल करो, वो बिजनेस समझा, उसने बोला एक काम करो, एक कार दो, एक गोली दो, एक एलोवेरा दो, एक फ्लैट दो, उसका बिल कटवाओ और बोलो कि प्यार करना मेरे फोन के लिए, एक महीने के अंदर कौन दे मेरा। कहाँ कितने साल से जब लगा दिया आपने, कमाल कर दिया, एक महीने के अंदर, दो दिन के बाद उसने अपनी अपलाइन को फिर से फोन किया। अब फोन जैसे अपलाइन मिला, अपने अपलाइन किया, ठीक है कितना समझा, वो भी खुश की नया बंदा मिल गया, जब तक करेगा तब तक माइंड की बरसात, इतना एक्टिव आदमी मिला जब समझ में आएगा समझ जाएगा। दो दिन बाद अपलाइन को फोन करके बोलता है, अरे भाई साहब ये क्या प्रोडक्ट दे दिया आपने मुझे यार। बोले क्या हुआ, आपने तो खाई नहीं, आपको कैसे पता। बोले मैंने अपने दोस्त को दिया, उसका अगले दिन मेरे पास फोन आया, वो तो हॉस्पिटल में परेशान, वो तो कह रहा मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तुमने मुझे क्या दे दिया यार, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, अरे सर मुझे क्या दे दिया आपने। पहले उसको फोन करो, उससे पूछो एक्चुअल क्या हुआ, मैं तो इसलिए करता आप खाओ ताकि मैं आपसे पूछूं, वापस से पूछो। बोले भाई मैं ना करा फोन, यार पता नहीं क्या हो गया उसको, तो भाई मैं नहीं करूँगा, मैं तो उसका नंबर नंबर कटूंगा, उसको उसका नंबर व्हाट्सअप सब ब्लॉक कर दिया। बात आई गई होगी 6 महीने बाद वही बंदा जिसको प्रोडक्ट दिया था वो एक CNT में मिल गया IT वाले इसको। अब ये उसको देखते मुँह फिर नहीं, CNT की बात नहीं, ये कहीं मार्केट में मिल गया, क्योंकि इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया मार्केट में, कहीं मिले मार्केट में जैसे मिले, अभी तो नजर फेरा, देख लिया था इसने, नजर फेरा उसने देखा, भाई साहब अरे हेलो, इतना तो सुनने कहा आदमी बोला, हाँ जी अरे तुम ठीक हो, हाँ मैं अच्छा करता हूँ आपके सामने, अरे तो रोना गया था यार उस दिन आपने जैसा फोन किया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये यार हालत कैसे होगी। बोले क्या हो गया, अरे यार मेरे को तो झूठ मुझे ऐसे लगे कि मतलब मैं तो जैसे टैंकी बन गया। अरे यार फिर बोले मैं तो बहुत परेशान हुआ, मैंने तो बोला मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, मैं तो बचूंगा नहीं, कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो। मेरे पिताजी ने मुझे बोला थोड़ा सबर करो, देखो तुम्हें पिछले 5 साल से कॉन्स्टिपेशन, कब ठीक, अब उसको तुम ठीक करना चाहते थे, कब तक ठीक होगी तो क्या होगा, पेट साफ होता ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपोजिट हो रहा है, एक थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं क्या होगा। चलो मैंने अपनी बात मानी, कोई तकलीफ नहीं, अभी थोड़ी कम से कम 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 भाई साहब 3-4 दिन लगे, मैं नॉर्मल होना शुरू हुआ, मेरे सालों की कब से ठीक हो गई, मैं हैरान हो गया इस कमाल के प्रोडक्ट में, और तब से आपको फोन करने लगा, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। अभी साथ में ने पूछा अच्छा बहुत बढ़िया लगा, सब अच्छा हो गया, अभी पूछ रहा है अच्छा, और चलो कोई बात नहीं यार, आपने नहीं उठाया फोन कोई बात नहीं, और वेस्टीज कैसा चल रहा है आपका। बोले वेस्टीज तो मैंने भाई उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन तुम्हारी तबियत खराब हुई थी। चलो बाकी सब ठीक है ना घर परिवार में, और क्या कर रहे हो आजकल, अभी बोला वेस्टीज करा, हाँ भाई मेरे को तो बहुत आराम पड़ा, मैंने कहा कमाल के प्रोडक्ट है। अब मैं ढूंढता डांटता जैसे तैसे पता चला मुझे आइटम सेफ्टी होती है, मैं सेफ्टी पहुंच गया, वहाँ मुझे एक शख्स मिले, आप फोन खा नहीं रहे, आप नंबर ब्लॉक कर दिया, मैंने भाई तुम मुझे वेस्टीज दोबारा से शुरू करना है, मतलब तब तक तो पता ही नहीं था मुझे वेस्टीज करना है। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, मैंने कहा ये फोन नहीं उठाए, नंबर नंबर सिस्टम जो हुआ मेरी दोबारा ज्वाइनिंग हुई, मैं काम कर रहा हूँ, इसी महीने स्टार डायरेक्टर बनाऊँ, कारपेंटर हो गया, गाड़ी उठाया।